मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर करें। मेरी नई वीडियोस देखने के लिए बेल के बटन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है ऑरेंज स्क्वैश, जिसे मैं गेहूं के ताज़ा जूस से तैयार करूँगी। आप इसे सर्दियों के एंड में बनाइए और गर्मी भर इसको इस्तेमाल कीजिए। ये रमज़ान के लिए भी एक स्पेशल डिश है, रमज़ान भर आप इस स्क्वैश से फायदा उठा सकते हैं। स्क्वैश बनाने के लिए मैंने ताज़ा किन्नुओं का जूस लिया है जो 1 लीटर है, लेमन जूस मैंने लिया है ये 100 ml है, 500 ग्राम चीनी है और इसमें मैं पानी डालूंगी ये 500 ml है। जी भी सबसे पहले हम पैन को गर्म करके इसमें पानी डालेंगे, 500 ml पानी है और 1/2 किलो चीनी मैंने इसके अंदर डाली है, चमचा मैं इसमें चलाती रहूंगी और इस चीनी को इसके अंदर तेज आंच पर घोल लेंगे और जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर इसको आंच को मीडियम लो करके पकाना है चीनी और पानी को। ये थोड़ा सा झाग था ये मैंने निकाल दिया है इसके ऊपर का। इसको मैं तकरीबन 12 से 15 मिनट पकाऊंगी हल्की दरमियानी आंच पे। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के बाद ये खासी गाढ़ी हो गई है, एक गाढ़ा सा शीरा बन गया है। अब इसके अंदर मैं ताज़ा किन्नुओं का जूस जो कि 1 लीटर है वो भी डाल दूंगी और अब इस जूस को भी मैं तेज आंच पर उबाल दूंगी और वक्तन व वक्तन मैं चमचा चलाती रहूंगी। तेज आंच पर इनको उबाल देना है और उबाल आने के बाद इसकी ऐसी स्पीड हमने सेट करनी है चूल्हे की कि ये जूस पकता भी रहे और उबल के बाहर भी ना आए। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, जूस एकदम उबल के बाहर आएगा जैसे दूध गिरता है। आप देखें उबाल उठना शुरू हो गया है। अब मैं इसकी आंच चूल्हे की इतनी हल्की करूंगी, ऐसे सेट करूंगी कि ये जूस पकता भी रहे और उबल के बाहर भी ना आए। अब मैंने इसकी स्पीड ऐसी सेट कर दी है कि ये उबल भी रहा है और बाहर आके गिरेगा भी नहीं और वक्फे वक्फे से मैं इसमें चमचा भी चलाती रहूंगी, साइडों से भी इसको साफ करती रहूंगी देगची को। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि जूस हमारा खूब पक रहा है, इसकी हल्की मीडियम सी स्पीड है चूल्हे की और साथ साथ मैं इसमें चमचा भी चला रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद और साइडों से भी इसको साफ कर रही हूँ पैन को। इस जूस को तकरीबन मैंने 30 मिनट जरूर पकाया है इसी स्पीड के ऊपर। मकसद इसको गाढ़ा करना है मगर बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये ठंडा होकर भी गाढ़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं कि वक्फे वक्फे इसका जो है ये कम होता जा रहा है जूस और गाढ़ा भी होता जा रहा है। अब मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ जो 100 ml है, बीच मैंने नहीं जाने दिए, रोक लिए। इस जूस को मैंने छान लिया था शुरू में, ये छना हुआ जूस था किन्नु का। जी व्यूअर्स, अब इसको 30 मिनट पकते हुए अब आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हो गया है, इतना गाढ़ा काफी है। अभी ये जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तो गाढ़ा हो जाएगा और फिर बिल्कुल ठंडा होकर मजीद गाढ़ा होगा। अब ये तैयार है। जी व्यूअर्स, मैंने ठंडा करके
इसको चार जग में डाल लिया है। अभी तकरीबन 800 ml स्क्वैश तैयार हुआ है। इसे आप 2-3 टेबल स्पून एक ग्लास के लिए ले सकते हैं और इस 800 ml के स्क्वैश से आप 4 से 5 लीटर स्क्वैश पानी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसे आप ठंडा पानी डाल के बर्फ डाल के एंजॉय कीजिए। जी व्यूवर्स, उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। हमारा ऑरेंज स्क्वैश तैयार है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करें और शेयर करें। मेरी नई वीडियोस देखने के लिए बेल के बटन को दबाएं।